एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चहल द एक्सप्लोरर में, और आज बात करेंगे VMS की। गाड़ी में जो वॉइस कंट्रोल है आप इधर स्टेयरिंग पे आके देख सकते हैं, जो ये बटन है इसके फंक्शनिंग क्या है। एक्चुअली गाड़ी में है ना दो तरह के फंक्शन है, एक तो हम ये वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम बोल के कुछ भी करना चाहें गाड़ी में तो वो फंक्शन हो जाएगा, और एक अपनी गाड़ी खुद बोल के बताती है, और एक इससे पहले आता था जिसको एसी के बोलते थे, एक्नोलेज बोलते थे, यानी कि गाड़ी कोई भी अपने को मैसेज दे रही है, वॉइस मैसेजिंग सिस्टम है, वो मैसेज दे रही है तो उसको एक्नोलेज करने के लिए वो बटन होता था। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने गाड़ी में वॉइस मैसेजिंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। वो आप अपने स्टीरियो की सेटिंग में जाके ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम सुबह जब पहली बार गाड़ी ऑन करते हैं पहले इसमें वॉइस आती थी, वॉइस जैसे आपने कई लोगों ने सुना भी होगा स्कॉर्पियो में, यूअर व्हीकल इज पावरफुल ड्राइव इट केयरफुली, यूअर स्कॉर्पियो इज पावरफुल ड्राइव इट केयरफुली, ये मैसेज आता था पहले बोल के। आजकल वो मैसेज नहीं आता है, आजकल सिर्फ टोन आती है जो कि हम सेटिंग में जाके उसको ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ पर आपको स्टार्टअप ऑडियो नज़र आएगा, देख रहे हो आप। तो जो फर्स्ट टाइम जो मतलब गाड़ी को आप इग्निशन ऑन करेंगे जो टोन आती है वो यहाँ से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। मैंने ऑफ़ कर रखी थी, आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। और अब भी ये ऑन हो गई है, और बाकी के जो मैसेजिंग सिस्टम है क्या क्या है गाड़ी में आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डोर की दिखाऊंगा कि वॉइस मैसेजिंग कैसे आता है। तो अभी डोर को हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा ओपन, ठीक है। अच्छा, इसके भी दो फंक्शन है, मैं बता दूं। जब गाड़ी आपकी 10 की स्पीड पे 10 सेकंड से ज़्यादा चलेगी तो भी बोलेगा, या फिर आपकी गाड़ी जैसे ही 20 की स्पीड क्रॉस करती है तो वो बोलने लग जाएगा। तो अभी आपको मैं वो दिखा देता हूँ कैसे बोलती है गाड़ी अपनी। अभी ये डोर ओपन है राइट साइड का, ठीक है। One of the vehicle doors is open. Please close. आप सुन पा रहे होंगे इस तरह से। One of the vehicle doors is open. Please close. एक तो ये फंक्शन था, अभी नेक्स्ट सुनाता हूँ आपको। दोस्तों अभी आपको मैं हैंड ब्रेक में दिखाता हूँ, हैंड ब्रेक लगा के चलने से गाड़ी कैसे आवाज़ करती है। ये थोड़ा सा अगर देखिए, हैंड ब्रेक ऑन है अपना, थोड़ा सा इसमें गाड़ी चल जाएगी, और वही जैसे 10 की स्पीड क्रॉस करेगी तो बोल के बताएगी अपने को। Handbrake is engaged. Please disengage. यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। Handbrake is engaged. Please disengage. तो दोस्तों एक ये फंक्शन था, और अभी ये आपको और बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों जैसे अपनी सीट बेल्ट लगी हुई है, अगर इसको हम हटा देते हैं, मान लो आप बिना सीट बेल्ट के अगर गाड़ी चलाते हैं तब भी गाड़ी आपको बोल के बताएगी जैसे ही आपकी गाड़ी 20 की स्पीड क्रॉस करेगी, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। पहले बीप का साउंड सुन पा रहे हो, इसका मतलब है बेल्ट नहीं लगाई आपने। To wear your seat belt for a safe drive. यहाँ पर भी इंडिकेशन करेगी। To wear your seat belt for a safe drive. तो एक ये था, यानी कि तीन आपको मैंने बता दिए। अभी बोनट का और बताता हूँ मैं आपका, सीट बेल्ट का अभी तक भी टू टू कर रही है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है। आपको बोनट का और दिखा देता हूँ। अगर बोनट ओपन रह जाता है, इंडिकेटर तो वैसे चलते ही है, वो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है, इंडिकेटर इंडिकेशन करते रहेंगे अगर आपका बोनट ओपन है, लेकिन गाड़ी हमें बोल के भी बताएगी अगर बोनट ओपन रह जाता है तो। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो जाके चेक कर लेना आप। और अभी मैं बोनट ओपन कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए बोनट ओपन हो गया अपना, और देखते हैं अभी गाड़ी कैसा बोलती है। मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने आज तक किया नहीं था, लेकिन मेरे को पता था कि फीचर्स हैं गाड़ी में, तो बोनट के लिए देखते हैं क्या बोलती है। One of the vehicle doors is open. Please close. यहाँ पर भी बोनट ओपन दिखा रही है बिल्कुल। One of the vehicle doors is open. Please close. तो ये काफी अच्छे फीचर्स हैं दोस्तों, जो लोग आउटडेटेड समझते हैं स्कॉर्पियो को, तो ये सारे फीचर्स आप मेरे हिसाब से दूसरी लग्जरी गाड़ियों में मिलेंगे आपको। महिंद्रा ने जो भी फीचर्स दिए हैं बड़े काम के दिए हैं, ठीक है। मैं बोनट बंद करके आता हूँ, आप एक मिनट बने रहें, जाना नहीं कहीं।
तो दोस्तों अभी मेरे को यही था, शायद इतने सारे फीचर्स ही हैं जो गाड़ी बोल के बताती है, चार फीचर्स मेन बता दिए मैंने आपको। ये तो आपने ड्राइवर साइड की सीट का देखा था, अगर को ड्राइवर साइड की सीट की बेल्ट नहीं लगी है तो इसमें इंडिकेशन आता रहेगा और वही टू टू की आवाज़ होती रहेगी, उससे पता लगता रहेगा। अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट में बता देना कि उस चीज़ का भी आवाज़ आती है गाड़ी में। और ये अपने गाड़ी के राइट साइड के डोर के स्पीकर से आवाज़ आती है, ठीक है जी। अगर आप इस मतलब सारा कुछ हटा भी देंगे तब भी आवाज़ आती रहेगी, बस स्टीरियो कनेक्ट रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये जो फंक्शन अपना हम क्या क्या कमांड दे सकते हैं अपनी गाड़ी को बोल के, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो अपने लाइक किए बगैर मत जाना, और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।